ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। यूपी की राजधानी लखनऊ में लगाए गए वसूली के पोस्टर पर सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को राहत नहीं मिली। इन पोस्टरों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया था, जिसे योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले एमपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल पहुंचे। मध्य प्रदेश जाने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। पार्टी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये पहली औपचारिक मुलाकात थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके बीजेपी में आने से मध्य प्रदेश में जनता की सेवा करने में पार्टी और भी मजबूत होगी। अमित शाह से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी औपचारिक मुलाकात की। बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा, मुझे स्वीकार करने और मेरा स्वागत करने के लिए जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा परिवार का शुक्रिया। यह मेरी जिंदगी का न केवल टर्निंग पॉइंट है, बल्कि पीएम मोदी जी के लिए प्रेरणादायक नेतृत्व में जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने का भी अवसर है। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर लिखा, सेंसेक्स धड़ाम से गिर चुका है। WHO ने कोरोना वायरस को महामारी करार दिया है। लोगों में अफरा तफरी मची है। PR स्टंट में कुशल प्रधानमंत्री जी को अगर चुनी हुई सरकार गिराने से फुर्सत मिल गई हो तो देश के लिए जरूरी इस विषय पर भी बोल दें। मध्य प्रदेश में बड़े सियासी उलटफेर के बीच राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। जयपुर के रिजॉर्ट में शिफ्ट किए गए कांग्रेसी विधायकों से राज्यसभा के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए। हालांकि अब तक राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम तय नहीं है और इसी कारण कांग्रेस विधायकों से खाली पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 73 पहुंच गई है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में इसके बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार लगातार हर राज्य सरकार से संपर्क में है और हर रोज डिटेल रिपोर्ट साझा की जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से विदेश से भारतीयों को लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। भारत से इटली गए कुछ टूरिस्ट एयरपोर्ट पर फंसे हैं। बता दें कि एयर इंडिया की ओर से कहा गया है कि जब तक कोई भी यात्री नो कोरोना का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएगा तब तक उन्हें फ्लाइट में नहीं बैठाया जाएगा। जबकि छात्रों का कहना है कि इटली के डॉक्टर अभी स्थानीय लोगों से निपट रहे हैं, ऐसे में विदेशियों को कोई भी अस्पताल हेल्थ क्लियरेंस नहीं दे रहा है। कोरोना वायरस की वजह से भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों की हालत बुरी है। सप्ताह के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत एक बार फिर बड़ी गिरावट के साथ हुई। बता दें कि यह शेयर बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट है। एक दिन में निवेशकों को 9 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। इरफान की अगली फिल्म अंग्रेजी मीडियम 13 मार्च को रिलीज हो रही है। फिल्म में इरफान के अलावा करीना कपूर खान भी नजर आएंगी, लेकिन लीड रोल में राधिका मदान होंगी। राधिका मदान फिल्म में इरफान खान की बेटी का किरदार निभाएंगी। इंटरव्यू के दौरान राधिका ने बताया कि मुझे कास्टिंग के लिए बुलाया गया और मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूँ, ये बात कहकर एक डायरेक्टर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे A1 न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।